प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने दी चेतावनी। कांग्रेस सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए सीहोर जिले से पैदल तिरंगा यात्रा निकालेंगे प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों में मध्य प्रदेश में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। नियमितीकरण सहित कई मुद्दों को लेकर अतिथि शिक्षकों की एक बैठक खातेगांव में संपन्न हुई, जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुमंत दुबे ने बताया कि जहां कांग्रेस के वचन पत्र में 90 दिनों में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण करने की बात कही गई थी, आज वही कांग्रेस सरकार सत्ता में काबिज होने के बाद अपने वादे से मुकर रही है। जब भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात होती है तो सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि अतिथि शिक्षकों के लिए समिति गठित की गई है। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि सरकार के 9 माह बीतने के बाद भी वेतन न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। ऐसे स्थिति में अतिथि शिक्षकों के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। वहीं दूसरी ओर सरकार भी नियमितीकरण के वचन को लेकर गंभीर नहीं है। आज अतिथि शिक्षक की ब्लॉक स्तरीय मीटिंग थी कि मध्य प्रदेश शासन ने वचन पत्र में ये शामिल किया था कि हम अतिथि शिक्षकों को यदि सरकार बनती है तो 40 दिन के अंदर नियमित करेंगे, पर 6 माह बीत गया है। इस कारण इस आक्रोश को लेकर अतिथि शिक्षक ने एक मीटिंग रखी है और आगामी समय में हम तिरंगा यात्रा के रूप में भोपाल पहुँचेंगे 4 और 5 सितंबर में, और विशेष आंदोलन होगा और शिक्षक दिवस के रोज माननीय मुख्यमंत्री जी से हम गुहार करेंगे कि हमारा नियमितीकरण हो वचन पत्र अनुसार। इस विषय को लेकर अतिथियों ने खातेगांव में साई गार्डन में मीटिंग का आयोजन किया। आज खातेगांव ब्लॉक में कन्नौज और खातेगांव दोनों की सामूहिक बैठक रखी गई। आगामी 4 और 5 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकलने वाली है उसके संबंध में चर्चा की गई, और देवास में 30 तारीख को जो ज्ञापन देना है वेतन संबंधित, पुराने अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया उस संबंध में। मगर हमारी एक ही मांग है, नियमितीकरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। नियमितीकरण वेतन संबंधी मांग भी जरूरी है, लेकिन वो तो मिल जाएगा, मगर नियमितीकरण हमको पहले चाहिए। वेतन चाहे हमें वो 1 महीने या 2 महीने और लेट देते हैं, मगर नियमितीकरण चाहिए। इसीलिए सबसे उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। तिरंगा यात्रा सीहोर से लेकर भोपाल चैनल का कुल मिलाकर अतिथि शिक्षक अब कमलनाथ सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। अतिथि शिक्षकों की बैठक में तय हुआ कि आगामी 4 सितंबर को सीहोर से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खातेगांव।